Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and the class of UPSC CSET. Today we will discuss number system. I will discuss some important questions based on number system. Okay, in the last class I have also discussed some questions. Today again number system discuss karenge. Okay, तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी यूपीएससी सीसेट 2023 के लिए अभिपीडिया ने एक कोर्स लॉन्च किया जिसके अंदर आपको 100 प्लस लाइव लेक्चर्स मिलेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर कराया जाएगा। देखिए सभी को पता है कि एग्ज़ाम जैसा इस बार आया था, ठीक है ना, सीसेट का जो है काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सीसेट का एग्ज़ाम ही क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उसी को माइंड में रखते हुए अभी हमने एक कोर्स स्टार्ट किया जिसके अंदर हम स्टार्ट करें बिल्कुल बेसिक से, नंबर्स से आपका स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपका एक एक सिंगल कंसेप्ट क्लियर कराया जाएगा। ओके, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, कोर्स बेटा स्टार्ट हो चुका है जो कि 20th जून से कोर्स स्टार्ट हुआ है। जो क्लासेस हैं, क्लासेस कब कब होती है, क्लासेस आर ऑन मंडे, यस मंडे को क्लास होगी आपकी, मंडे वेनसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ओके, वीक के अंदर अभी आप लोगों को 4 क्लासेस हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 1 आवर की क्लास होगी डेली। ओके, 1 आवर के आपकी अल्टरनेट डेज पे क्लासेस दी जाएंगी। अभी इसके अंदर बिल्कुल एक एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर कराया जाएगा। ओके, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस आज की क्लास के अंदर आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी नंबर सिस्टम के। तो पहले ये देखो कि हाँ जी इस तरह के क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, यूपीएससी के ही क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, यूपीएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के। ओके, तो अब आप देखिए कि यूपीएससी के अंदर कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आप कर पाते हो, अगर आप कर पाते हो देन वेल एंड गुड। मैं ये नहीं कहती कि हाँ जी कोर्स लेना ही लेना है आपने, पहले ये देखो कि हाँ जी मुझे आता है, मैं कर सकती हूँ। ओके, अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं यहाँ पे कहीं मुझे प्रॉब्लम है, मेरे बेसिक्स क्लियर नहीं है, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पा रहे हैं, इन दैट केस आपको ज्वाइन करना चाहिए। मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि आपको ये कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, और अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलते हो देन डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई योर सीसेट एग्जाम इजीली। ओके, तो सभी यहाँ पे एक बार देख सकते हैं कि 100 प्लस लाइव लेक्चर्स मिल रहे हैं इसके अंदर आपको, 100 प्लस लाइव क्लासेस हैं एंड विद ईच क्लास वेब नोट्स आर अटैच्ड एंड ए पीडीएफ, क्लास पीडीएफ विल बी अटैच्ड, और उसके साथ साथ में आपको एक टेस्ट भी मिलेगा। देखिए सेल्फ एनालिसिस तो जरूरी है, अब जब आप एक लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर को ये नहीं हो गया कि जस्ट लेक्चर को देख लिया जी हाँ जी हो गया काम, नहीं, पहले आप ये देखो कि हाँ जी उस लेक्चर के अंदर जो जो भी मैंने कंसेप्ट सीखे हैं, जिस तरह के भी मैंने क्वेश्चंस करे हैं, अब उस तरह के क्वेश्चंस मैं एक्चुअल में कर पाती हूँ नहीं कर पाती हूँ, तो उसके लिए क्या है कि हर एक लेक्चर के साथ में बेटा एक टेस्ट अटैच है, माइक्रो टेस्ट अटैच है, आप जो टेस्ट है उसको अटैम्प्ट करते हो, उसके बाद में आप देखते हो कि हाँ जी आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हैं, जो टेस्ट है वो आपका साथ साथ जो उसका इवेल्यूएशन है वो हो जाएगा, तो आप वहीं पर आपका टेस्ट इवेल्यूएट हो जाएगा, उसका उसके बाद में टेस्ट लॉग में जाके आप उसका डिटेल सॉल्यूशन भी चेक कर सकते हो। इवन अगर आप क्लास ज्वाइन करते हो तो अगर आपके टेस्ट के अंदर कोई क्वेश्चन के अंदर डाउट है, कोई क्वेश्चन में डाउट है या फिर क्लास का कोई डाउट है या सम अदर डाउट है ऑन द सेम कंसेप्ट, इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, हाँ जी ग्रुप के अंदर क्वेश्चन डाला जी ये मेरे डाउट क्वेश्चन है, वो आपका नेक्स्ट क्लास में क्लियर हो जाता है। ओके, तो काफ़ी अब डिफरेंट एरियाज से आप लोग बिलोंग करते हो, तो हर कोई यहाँ पे आके क्लास नहीं लगा सकता, ऑफलाइन स्टूडेंट्स क्लास लगा रहे बट हर कोई नहीं आके यहाँ पे क्लास लगा सकता, तो उसके लिए ऑनलाइन हमने प्रोविज़न किया है कि हर बच्चे तक, हर स्टूडेंट तक जो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो सी सेट के लिए वो अच्छे से प्रिपेयर कर सकते। ओके, तो सभी ने एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल आप चेक कर सकते हो। ओके, इसके अलावा अगर कोई भी क्यूरी रह जाती है इन दैट केस कॉन्टैक्ट नंबर इज ऑल्सो अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कॉन्टैक्ट। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, यस चेक करिए 10 क्वेश्चन हम करेंगे, उसमें से आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। देयर इज फर्स्ट क्वेश्चन, क्या है, व्हाट इज द नेचुरल नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो अबाउट नेचुरल नंबर, दैट मीन्स कि नंबर 1 to n, ओके 0 इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेचुरल नंबर, यू नो, यस नेचुरल नंबर n फॉर विच 3 raised to power 9 plus 3 raised to power 12 plus 3 raised to power 15 plus 3 raised to power n is perfect cube of an integer, किसी भी इंटीजर का परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए
अब यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या है, 3 raised to power 9, 3 raised to power 12 प्लस 3 raised to power 15 प्लस 3 raised to power 10, ओके, एंड ऑल द ऑप्शंस आर मोर देन 9, ओके, दैट मींस कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 9 से तो ज़्यादा ही आएगी, ये तो हमें कंफर्म हो गया। अब क्या कर सकते हैं, जब इस तरह से मेरे पास में वैल्यू है, दैट मीन्स कि मैं कुछ पार्ट कॉमन निकाल सकती हूँ यहाँ पे, आई कैन टेक सम पार्ट कॉमन। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 raised to power 9 को कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, 3 raised to power 9, तो यहाँ पे क्या रह गया आपके पास में, 3 raised to power 0 देन 3 raised to power 3 प्लस 3 raised to power 6 प्लस 3 raised to power, यस, हाँ जी, 9 तो हमारा बाहर आ गया, दैट मीन्स कि बच गया कितना रिमेनिंग पार्ट, तो कितना आ गया 9, ओके। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लिए, अब अगर हमारे पास में बात क्या हो रही है बेटा, परफेक्ट क्यूब की बात हो रही है, कि हमें क्या चाहिए, परफेक्ट क्यूब चाहिए। जब हम कह रहे हैं परफेक्ट क्यूब चाहिए, मींस व्हाट, कि हम चेक करते हैं इस नंबर के अंदर कि भाई ये तो एक परफेक्ट क्यूब बन ही रहा है, इसकी पावर कितनी है, 9 है, 3 raised to power 9 है, दैट मींस दिस इज अ परफेक्ट क्यूब, ओके। अब ये तो पार्ट परफेक्ट क्यूब बन गया, अब हमें चेक करना है इस पार्ट के लिए, ओके। अगर मैं इस पार्ट की बात करूँ तो ये वैल्यू कितनी बन रही है, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, दैट मींस व्हाट, दैट इज 1, ओके, 1 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में, 27 हो गया, ये कितना हो गया आपके पास में, हाँ जी, ये वैल्यू अपने पास में कितनी होगी, दिस इज 729, ओके, और ये मुझे नहीं पता कि कितनी आएगी, पॉइंट इज क्लियर। अभी सभी का हम सॉल्यूशन देखते हैं कितना बनता है, ये हो गया बेटा 28, दैट मीन्स ये हो गया 9, 8, 17, 5 और 7 प्लस 3 raised to power n minus 9, ओके। अभी हम जब परफेक्ट क्यूब की बात करें तो अब इस नंबर को देखो आप, क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे, 757 आ रहा है, 757 आ रहा है। अब परफेक्ट क्यूब चेक करिए आपका, 757 के नियर बाई परफेक्ट क्यूब कौन सा बनता है, वन इज 729, दैट मीन्स द क्यूब ऑफ 9। देखो हमें पता है कि क्यूब ऑफ 9 अगर मैं देखूँ तो कितना बनता है आपके पास में बेटा, 729 बनता है, क्यूब ऑफ 10 इज 1000, और ये जो मेरा नंबर है, दिस इज इन बिटवीन दिस टू नंबर्स, ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि मुझे नंबर नेक्स्ट देखना है, तो नेक्स्ट दैट मीन्स कि मुझे क्या चाहिए, अगर मेरे पास में टोटल सम कितना आ जाए 1000, दैट मीन्स कि परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 757 को माइनस करके देखते हैं हमारे पास में वैल्यू कितनी आ गई बेटा, दिस इज 343, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 raised to power, हाँ जी बताइए कितना होगा, 3 raised to power 5, ओके, हाँ जी, 3 raised to power 5 होगा, देखो, यस, 3 raised to power 5, अब यहाँ पे, दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ये जो नंबर है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, 3 raised to power n minus 9 इज इक्वल टू 3 raised to power 5, दैट मीन्स कि हम पावर्स हमारे इक्वल होगी, बेस सेम है, मीन्स n माइनस 9 की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 14, कितनी वैल्यू आ गई आपके पास, 14, दिखाई नहीं दे रहा, एक सेकंड, इसको इधर लिख देती हूँ मैं, ओके, आई होप नाउ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस, सभी को दिखाई दे रहा है, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट, डन, यस, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, When the digit of two digit number are reversed, अपने पास में दो डिजिट का नंबर है, कह रहा है कि अगर हम उसको रिवर्स कर देते हैं, the number is increased by 27, तो नंबर किससे इंक्रीज हो गया, 27 से इंक्रीज हो जाता है, the sum of such two digit numbers is, that means कि जो जितने भी numbers बनते हैं ऐसे, उन सभी का sum बताओ, I hope question is clear to all of you, now, देखिए अगर मेरे पास में एक नंबर है टू डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक नंबर है, फॉर एग्जांपल दिस इज 13, ओके, अब ये नंबर 13 है, मुझे दिखाई दे रहा है 13, यू कैन से दिस इज एक्स वाई, मुझे दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में नंबर क्या है, दिस इज 10 plus 3, ओके, तो अगर मैं कहूँ कि भी मेरा जो नंबर है दैट इज एक्स वाई, तो वो एक्चुअल में नंबर क्या बना, एक्चुअल नंबर इज 10x plus y, ओके, एंड आफ्टर रिवर्सिंग, अगर मैं इसको रिवर्स कर देती हूँ तो मेरा नंबर क्या हो गया, yx, दैट मींस व्हाट, कि 10y plus x, और उसने क्या कहा है कि आफ्टर रिवर्सिंग क्या है, ये नंबर इंक्रीज हो गया, दैट मींस कि ये नंबर बढ़ा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 27,
ओके, दैट मीन्स कि टेन वाई प्लस एक्स माइनस टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 27, दैट मीन्स कि y माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3, ये देखो ये कितना हो गया आपके पास में, 9y माइनस 10x, यहाँ पे 10x और x है, तो दैट मीन्स कि 9x हो गया, तो 9 अपने पास में कैंसिल आउट करेंगे, कितनी आ गई वैल्यू, 3, दैट मीन्स कि जो मेरा नंबर है, नंबर के अंदर क्या है, मेरा नंबर क्या था बेटा, xy का, दैट मीन्स कि जो मेरे पास में वैल्यू है x की, वो कम होगी y से कितनी, बाई 3, 3 का डिफरेंस आएगा, ओके? अब हम ऐसे नंबर देखते हैं, अगर मैं कहूँ कि भी मेरे पास में जो नंबर है वो क्या है, 1, x की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 1 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 का डिफरेंस है, दैट मीन्स कि कितनी आ गई बेटा, 4 विल बी द वैल्यू, तो नंबर क्या क्या बना मेरे पास में, 14 डिफरेंस आ गया, दूसरा देखते हैं, y के x की वैल्यू क्या ली मैंने, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 3 8, 6 प्लस 3 9, अगर मैं 7 प्लस 3 करूंगी तो कितना हो जाएगा, 10, सिंगल डिजिट है, 10 तो हो नहीं सकता, दैट मीन्स दीज आर द नंबर, एंड क्या करना है हमने उनका, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ सच टू डिजिट नंबर, यू विल टेक द सम ऑफ ऑल दीज नंबर, ओके, सभी का सम करते हैं, कितना हो गया ये बेटा, 9 एंड 6 आपके 15, 39, एंड दिस विल बी 4 टू 5, 5, 7, 12, 11, यस, दिस विल बी 24, ओके, सो योर आंसर विल बी 249, क्या जाएगा बेटा, 249 विल बी द राइट आंसर, कोई डाउट इसके अंदर, तो नंबर फॉर्मेशन का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, तो कर लेंगे हम डेफिनेटली, बिल्कुल कर लेंगे, है ना, नेक्स्ट देखते हैं, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, सपोज 72 इज इक्वल टू, 72 इज इक्वल टू m इंटू n, वेयर m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट द वैल्यू इज, यस, m एंड n बोथ आर ग्रेटर देन 1 एंड n इज ग्रेटर देन m, n क्या है, n से बड़ा है, क्लियर, तो अब यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे 1 से बड़ा नंबर लेना है मैंने, दैट मीन्स वी कैन स्टार्ट फ्रॉम 2, 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे m की वैल्यू लेती हूँ बेटा 2, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 36, ओके, आगे देखते हैं, अगर मैं 3 लेती हूँ तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 24, तो रुपये 72, ओके, अगर हम 4 लेते हैं, 18, 5 से तो ये एन ही डिविजिबल, अब अगेन अगर हम बात करते हैं 6 की, ओके, अगेन 7 से डिविजिबल नहीं है, क्या आएगा फिर आपने पास में, 8, ओके, अब अगर मैं 9 लेती हूँ इसको, तो ये क्या आएगा, फिर इधर 8 आएगा, बट यहाँ पे मेरे पास में कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपके पास में m शुड बी लेस देन n, तो बट यहाँ पे क्या हो गया, m इज ग्रेटर देन n, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हो गया, मीन्स आगे का कोई भी केस हमने नहीं कंसीडर करना है, तो यहाँ पे बेटा वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, ये वैल्यूज बन रही है, और ये कह रहे हैं कितनी वैल्यूज बन रही है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, दैट मीन्स देर आर 5 सच पेयर, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, कोई डाउट किसी को, हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो इसमें, क्लियर, ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है, इन दैट केस कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, आई विल ट्राई कि आपका डाउट क्लियर किया जाए, ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, यस, ये हो गया आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 10 रेज टू पावर 20 इज डिवाइडेड बाई 7, 10 रेज टू पावर 20 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, देखिए अब यहाँ पे अपने पास में क्या है, 10 रेज टू पावर 20 एंड वी वांट टू डिवाइड इट बाय 7, ओके, अब देखो हमारे पास में एक थ्योरम है बेटा, रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है आपको, कि जो नंबर है अगर मैं इसका रिमाइंडर लेती हूँ, ठीक है, रिमाइंडर लेती हूँ और सेम ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ, इन दैट केस अगेन रिमाइंडर सेम ही आएगा, ओके, मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे अगर मैं 10 को 7 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे पास में, 3, दैट मीन्स व्हाट, कि द रिमाइंडर फॉर 10 रेज टू पावर 20 बाई 7 विल बी सेम एज 3 रेज टू पावर 20 बाई 7, दोनों का रिमाइंडर सेम रहेगा, कहते हैं,
वैल्यू सेम नहीं रहेगी, एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू है वो सेम नहीं रहेगी बेटा, रिमाइंडर सेम रहेगा। ओके, अब उसके बाद में दूसरा यहाँ पे यूज हो रही है फर्मेट थ्योरम। लेकिन फर्मेट थ्योरम क्या कहती है कि अगर मेरे पास में प्राइम नंबर है, अगर मेरे पास में एक प्राइम नंबर है जिसे मुझे डिवाइड करना है, इन दैट केस आपके पास में अगर यहाँ पे उस नंबर से कम की पावर आ जाती है, देन रिमाइंडर विल बी इक्वल टू वन। एक मिनट, थ्योरम बताती हूँ मैं, यहाँ पे आपको थ्योरम बताती हूँ। थ्योरम क्या कहती है, इफ वी हैव ए नंबर ए एंड द पावर इज इक्वल टू पी, दिस इज इक्वलेंट टू व्हाट, ए मोड पी वेयर पी इज इक्वल टू प्राइम नंबर। ओके, क्या कह रहा है, प्राइम नंबर है। ओके, अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि व्हेन यू विल डिवाइड ए रेज टू पावर पी, व्हेन यू डिवाइड ए रेज टू पावर पी बाय पी, देन रिमाइंडर विल बी ए। रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास में, ए बचेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये सेवन का मल्टीपल तो बन नहीं रहा, सेवन का मल्टीपल अपने पास में नहीं बन रहा है। हाँ, आप इसको ऐसा कर सकते हो, सेवन का मल्टीपल किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। हम इसको ऐसे तो कह सकते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे बेटा सात से अगर मैं करती हूँ तो सात दूनी चौदह, छः शेष बचेगा ना। दैट मीन्स कि अगर मैं दूसरे तरह से इसी को थ्योरम को देखती हूँ तो हम यहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि भाई इस ए को इधर ले आओ, ठीक है। दैट मीन्स कि p माइनस वन इज इक्वल टू वन व्हेन डिवाइडेड बाई, मीन्स अगर पावर यहाँ पे कम है, ठीक है, वन लेस है, इन दैट केस रिमाइंडर कितना रहेगा, वन रहेगा। ओके, अगर मैं देखूँ इसको तो इसका मीनिंग यहाँ पे क्या रहा बेटा, कि अगर मैं थ्री रेज टू पावर सिक्स को सेवन से डिवाइड करती हूँ, ठीक है, इन दैट केस रिमाइंडर विल बी इक्वल टू व्हाट, रिमाइंडर इक्वल टू वन, रिमाइंडर वन रहेगा। पॉइंट इज क्लियर, यहाँ पे ये क्या है, एक प्राइम नंबर, और यहाँ पे पावर क्या होगी, माइनस वन, दैट मीन्स सिक्स। थ्री रेज टू पावर सिक्स बाई सेवन के लिए रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास, वन रहेगा। ओके, अब अगर इसी तरह से अगर मैं सिक्स रेज यहाँ पे इसकी पावर कर देती हूँ बेटा, कोई भी यहाँ पे हम इसकी कोई भी पावर कर देते हैं एक्स वाई जेड एन, ठीक है, तो भी उस केस में भी रिमाइंडर क्या रहेगा आपके पास में, वन ही रहेगा। दैट मीन्स सिक्स रेज टू पावर ट्वेल्व के लिए भी वन रिमाइंडर रहेगा, सिक्स रेज टू पावर एटीन के लिए भी वन रहेगा, सिक्स रेज टू पावर अगर हम आगे देखते हैं ट्वेंटी फोर तब भी हमारे पास में वन रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख लूँ, थ्री रेज टू पावर एटीन इंटू थ्री रेज टू पावर टू डिवाइडेड बाई सेवन, आई थिंक कोई इशू नहीं। ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अब यहाँ पे देखिए इसी फॉर्म में हमारे पास में ये जो पार्ट है ये एक तरह से मेरे पास में बेटा इसी फॉर्म में, दैट मीन्स थ्री रेज टू पावर सिक्स रेज टू पावर टू। ओके, तो यहाँ पे आपके पास में जो रिमाइंडर है वो कितना रहेगा, वन हो गया। और अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या हो गया, नाइन बाई सेवन, नाइन बाई सेवन के लिए जो रिमाइंडर रहेगा वो आपके पास में क्या होगा, टू। तो आंसर क्या आ गया, टू। आंसर क्या आ गया बेटा, टू भी मिला। पॉइंट इज क्लियर, कोई इसमें डाउट आ रहा हो, हाँ जी, कोई भी माइनर सा डाउट आ रहा हो, बट यहाँ पे मैं वही आपको बार बार कह रही हूँ, देखो बेटा क्वेश्चन तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आ जाते हैं बट उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे मैंने दो थ्योरम लगा दी, ठीक है, बट अगर आप लोगों को उनके बारे में पता है देन आप इजीली इसको सॉल्व कर दोगे, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ पे बेटा हमने क्या यूज़ किया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बार बार। अभी जैसे कि टू कोई एक नंबर आ गया थ्री रेज टू पावर टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई सेवन, इस तरह से आ गया सेवेंटी थ्री रेज टू पावर वन थाउजेंड डिवाइडेड बाई नाइनटीन, कुछ भी वैल्यू आ जाती है, ठीक है, तो उसके लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, यहाँ पे बेटा ये जो वैल्यू थी ये सेवन से बड़ी थी, तो पहले हमने इसको इसके साथ डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बचा, थ्री थ्री, तो हमने यहाँ पे थ्री को कंसिडर कर लिया। ओके, यहाँ पे पावर कितनी है, ट्वेंटी, ट्वेंटी हमने एज इट इज ली, क्योंकि ऑपरेशन तो सेम होना चाहिए। अब आगे हमने देखा कि यहाँ पे अगर यहाँ पे नंबर होता थ्री की बजाय एट या फिर सिक्स, एट या सिक्स होता तो हम रिमाइंडर थ्योरम का दूसरा रूल अप्लाई कर लेते, बट यहाँ पे वो नहीं बन रहा है, दैट मीन्स कि वो अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास में बट दूसरा अप्लाई हो रहा है कि ये यहाँ पे सेवन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, दैट मीन्स कि हम प्राइम के फॉर्मेट में चेक करते हैं कि इस नंबर की पावर इससे एक कम कर लेते हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि पावर सिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वही हमने किया, सिक्स के अंदर कन्वर्ट कर लिया, तो इस पार्ट की पावर जो रिमाइंडर है वो हो जाएगा वन,
ओके। और इस पार्ट के लिए रिमाइंडर कितना रह जाएगा बेटा, 9/7 करेंगे, रिमाइंडर आ गया आपके पास में 2। तो आंसर क्या आ गया, 2 विल बी द करेक्ट आंसर। डन, हां जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या आपके पास, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर n नेचुरल नंबर सच दैट 6^n डिवाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर को जो डिवाइड कर सके। दैट मींस कि यहां पे क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि अगर मेरे पास में फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे बेटा, 1, 2, 3 up to 100 एंड वी वांट टू डिवाइड इट बाय 6^n, 6^n के साथ में आप इसको डिवाइड कर रहे हो। तो अब उस केस के अंदर देखिए, हाँ जी, 6^n के साथ में हमने डिवाइड करना, तो अब 6 से नंबर ये जो है कैसे आपका कैंसिल आउट होगा। अगर मान लो, अगर मैं बात कर रही हूँ कि हाँ जी मेरा नंबर 6 से डिविजिबल है, दैट मीन्स कि एक तरह से मैं उसको कैंसिल आउट कर रही हूँ। मान लो मेरे पास में n की वैल्यू 1 है, मैं कहती हूँ भी n की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 6 क्या बनेगा आपके पास में, 6, दैट मीन्स 2 × 3 ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि मैक्सिमम कितनी वैल्यू हो सकती है कि भाई वो पूरे का पूरा डिविजिबल हो जाए, ओके। उस केस के अंदर अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, यहाँ पे अपने पास में बेटा वैल्यू क्या आ रही है, 6^n। दैट मीन्स कि इसको कैंसिल आउट करने के लिए मुझे किसकी ज़रूरत है, एक 2 और एक 3 की, एक 2 और एक 3 की। दैट मीन्स कि अगर मैं ये चेक कर लूँ कि मेरे पास में 2 और 3 के पेयर इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में कितने मिल रहे हैं मुझे, तो उतनी ही वैल्यू होगी n की मैक्सिमम, ओके। तो अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि हम चेक कर सकते हैं भाई 2 कितने आ रहे हैं 1 से लेके 100 तक के बीच में, और 3 कितने आ रहे हैं, उनके पेयर चेक कर लेंगे। अब एक बात बताइए, 2 मैक्सिमम टाइम आएंगे या फिर 3? ऑब्वियसली बेटा जो अपने पास में 2 है, अगर हम पेयर चेक करें कि हाँ जी 1 से लेके 100 तक अगर हम इसके अंदर से 2 के मल्टीपल ढूंढते हैं, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर आपके 2 के मल्टीपल ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू 3। तो अगर मैं सिर्फ 3 चेक कर लूँ, मान लो ये वैल्यू मेरे पास में आ गई है, एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, जैसे मान लो मेरे पास में ये वाली वैल्यू आ गई 58, ये वैल्यू आ गई मेरे पास 38, तो पेयर कितने का बनेगा, पेयर तो 38 का ही बनेगा, जो रिमेनिंग बचेंगे 2 वो तो हमारे पास में किसी काम के नहीं है, बिकॉज 6 नहीं बन रहा, ओके। दैट मीन्स कि अगर मैं सिर्फ 3 चेक कर लूँ, अगर मैं सिर्फ 3 चेक कर लूँ, दैट मीन्स कि उतनी ही n की वैल्यू रहेगी। पॉइंट इज क्लियर? तो अब यही करते हैं, हम चेक करते हैं फॉर 3। अब 3 के लिए अगर आप चेक करते हो तो उस केस में बेटा ध्यान से देखेंगे, अगर मैं 1 से लेके 100 तक जाती हूँ तो मेरे पास कितने 3 मिलेंगे मुझे, 3, 6, 9 up to 99, दैट मीन्स कि टोटल 33 नंबर्स मिल जाएंगे 3 वाले मुझे, ठीक है, जिसके अंदर 3 आ रहा है। अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे पर बीच में कुछ ऐसी भी वैल्यू है जहाँ से मुझे 3 और भी मेरे पास में आ सकता है। अगर मैं फैक्टर्स चेक करूँ तो 9 जो है, 9 कैसे बनता है, 3^2। दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे 2 3s मिल रहे हैं, ओके। तो हम अब उन नंबर्स को उठा लेते हैं जिनके अंदर मुझे नंबर ऑफ 3s 1 से ज़्यादा मिल रहा है, तो वो कहाँ से आपने शुरू हो रहे बेटा, 9 के मल्टीपल में आएंगे, 18 × 27 99 भी कंसीडर करेंगे, ओके। अब उस केस के अंदर ये देखो कि यहाँ पे मुझे 9 के लिए, एक तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, काउंट कर चुकी ना मैं ऑलरेडी, इसको तो मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी हूँ, इसको दोबारा से काउंट नहीं करना है। दैट मीन्स कि 3 मुझे एक्स्ट्रा 1 यहाँ से मिल जाएगा, 1 3 यहाँ से मिल जाएगा आपके पास में। अब इसी तरह से 9 2 18 है, दैट मीन्स कि दूसरा जो है हमारे पास में नंबर मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, बट आई वांट 3, सो यहाँ पे भी 1 मिल जाएगा। बट ये क्या होगा, 9 3 26 सॉरी 27, ओके। दैट मीन्स कि मुझे क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं 23 की बात करूँ बेटा, तो ये क्या बनेगा, 3^3 बन गया ना, 3 3 9 3 27, ओके। तो 1 पावर मैं यहाँ पे कंसीडर कर चुकी हूँ उसकी, अब यहाँ पे क्या लेंगे, हम 2 पावर्स ले लेंगे, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। बस इसी तरह से कंसीडर करना आपको सभी का, ओके। तो ये हो गया आपके पास में 9 4 जा 9 5 जा 9 6 जा 6 जा, दैट मीन्स कि अगर यहाँ पे भी आपके पास में 6 के अंदर एक और 3 मिल गया, दैट मीन्स कि 2 आ गए, 9 7 जा 9 8 जा 9 9 जा 81, ओके, 9 9 जा 81, दैट मीन्स कि एक और मिलेगा मुझे, 9^4 हो गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे मुझे कितने 3 मिलेंगे, 3,
ठीक है, 9 अगर मैं देखूँ 3 रेज टू पावर 4 कितना होता है बेटा अपने पास में, 81 होता है। ठीक है, एक पावर मैं ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर चुकी हूँ, बच गई कितने मेरे पास में, 3 पावर्स बच गई, 3 को मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया। ओके, एंड 1 विल बी फ्रॉम हेयर एंड 1 विल बी फ्रॉम हेयर, टोटल कितना हो गया, टोटल एक बार कर लेते हैं, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 6 and 2, 8, 9, 10, 10 and this is 15। ओके, अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल कितने बन गए आपके पास में, 3, दैट मीन्स 33, तो बेटा ये हो गए, और 15 मेरे पास ये हो गए, दैट मीन्स टोटल इज 48, दैट मीन्स देयर आर 48 6, इफ आई राइट ओवर हियर 48 6, यस, और यू कैन सी 6 रेज टू पावर 48, देन हम उसको उसके साथ में कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि वो उससे डिविजिबल रहेगा, यही कहना, व्हाट इज द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर एन सच दैट 6 रेज टू पावर एन डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ, कब डिवाइड करेगा, जब पूरे का पूरा उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। पॉइंट इज क्लियर, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपके पास में ए थ्री डिजिट नंबर 4x3 इज एडेड टू 984 टू गेट ए 4 डिजिट नंबर, कौन सा नंबर मिल रहा है, 7। इफ 13y7 इज डिविजिबल बाय 11, कह रहा है कि ये जो नंबर है दिस इज डिविजिबल बाय 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या रहेगी। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो 3 प्लस 4 अगर मैं देखूँ तो 7 ही बनेगा, बिल्कुल सही है, 9 प्लस 4 करूँगी तो 13 ही बनेगा, दैट मीन्स कि कैरी तो कहीं पे भी नहीं आ रही, तो x के लिए मेरे पास में बेटा वैल्यूज क्या हो सकती है, या तो x के लिए वैल्यू होगी 0 या फिर x के लिए वैल्यू होगी 1, बिकॉज अगर मैं यहाँ पे 2 ले लेती हूँ तो यहाँ पे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, कैरी आ जाएगा, 10 बन जाएगा, तो यहाँ पे बेटा या तो 0 ले सकते हो आप या फिर 1 ले सकते हो। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 0 तो y की वैल्यू क्या बनेगी आपके पास में, यस इट विल बी 8। ओके, अगर मैं यहाँ पे 8 पुट करती हूँ तो मेरे पास में आप यहाँ पे चेक कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डिविजिबिलिटी रूल, 11 से डिविजिबल नहीं हो रहा, 11 से डिविजिबल नहीं होना, क्योंकि जो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ अल्टरनेट प्लेस वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0 और 11 होना चाहिए, तो ये नहीं हो रहा। ठीक है, अब हम दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, अगर मैं x के लिए वैल्यू पुट करती हूँ क्या, 1, यहाँ पे मैंने 1 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास, 9। अभी आप चेक करो क्या ये मल्टीपल है, यस 9 एंड 1 10, 3 प्लस 7 10, 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय 11, डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, दिस विल बी डिविजिबल, तो यहाँ पे अपने पास में ये वाली जो वैल्यू है बेटा ये फॉलो, क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू बताओ, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया आपके पास, दिस विल बी 10, दिस विल बी 10, ओके, यस, हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्या है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी, अगर आपके पास में एन पॉजिटिव नंबर है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, यूनिटी, यूनिट मीन्स 1 है, देन देयर सम इज, तो उनका सम क्या होगा, ए पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय एन इक्वल टू एन प्लस 1 बाय एन नेवर लेस देन एन, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि हमेशा जो अर्थमेटिक मीन है, अर्थमेटिक मीन दैट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन क्या, ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन मींस व्हाट, सम ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय एन। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या कहा है, एंड ज्योमेट्रिक मीन मींस मल्टीपल, तो यहाँ पे उसने क्या कहा है आपके पास में, कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास में नंबर क्या है a1 a2 a3 up to an, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया बेटा, डिवाइडेड बाय n, दिस इज अर्थमेटिक मीन एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन मींस a1 into a2, और उसने क्या कहा, द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज इक्वल टू यूनिटी, यूनिटी मींस व्हाट, कि यहाँ पे जो अपने पास में जो वैल्यू आई है a1 plus a2 plus up to an डिवाइडेड बाय n, दिस इज इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे इसको देखें तो आप ये कह सकते हैं कि जो सम हो गया आपके पास में, सम ऑफ दीज n नंबर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला हमारा, कि ये जो सम है दैट कैन नेवर बी लेस देन n, क्या होगा, या तो इक्वल होगा या फिर बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास में, नेवर लेस देन
n, never less than n. Clear? Yes. So students, कुछ क्वेश्चन मैंने आज आप लोगों के साथ में डिस्कस किए. अगर आप लोगों इस तरह के क्वेश्चन आप इजिली कर पाते देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है. अगर बेटा अगर प्रॉब्लम आ रही है इस तरह के क्वेश्चन को करने में तो उस केस के अंदर डोंट हेजिटेट टू टेक द कोर्स. ओके, आपको बेसिक का क्लियर करने की जरूरत है. और इसके अंदर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेसिक क्यों क्लियर करूँ, मेरे को तो आता है, या उसके अंदर हमारी डिग्निटी हो रही है. बेटा देखो, जो प्रॉब्लम है हमें पता है कि सी सेट को क्लियर करे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते. ओके, और सी सेट के अंदर बेटा क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग तो काफ़ी ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि हाँ जी मैन प्रैक्टिस मानते हैं. ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, बट कहीं ना कहीं मैं ये कहती हूँ कि अगर आपका क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग, अगर सिर्फ क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग भी आपका आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आप सी सेट इजिली क्वालिफाई कर लोगे. ठीक है, बिकॉज क्वांट लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करके आपको ही पता चल जाता है कि मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट मीन्स कि सही आ गया. ठीक है, आंसर नहीं आया मीन्स एक्यूरेसी का हमें पता रहता है. तो अगर कोई भी स्टूडेंट कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो बेटा ज़्यादा लेट ना करो. रीज़न बीइंग कि फिर काफ़ी क्लासेस लाइव हमारी ना चली जाएगी. अभी दो क्लासेस ही हुई हैं, ओनली 20 को हुई है क्लास, एक 22 को हुई है. अब नेक्स्ट क्लास इज ऑन 24th. ओके, सो जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.